महात्मा गांधी जी के 74वें शहादत दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन रखकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के द्वारा मृत आत्मा की शांति के लिए राष्ट्र के उत्थान के लिए सिविल डिफेंस द्वारा सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों से मुकाबला किया था तथा अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस शहादत दिवस पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम ई प्रभुनाथ गुप्ता, सीआरओ सुशील गौड़ तथा कलेक्टर परिसर के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि थी और ठीक 11 बजे पूरे कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के द्वारा 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया है, मृत आत्मा की शांति के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए। और सभी लोगों ने, जिसमें सिविल डिफेंस के द्वारा सायरन बजा करके मौन व्रत का आगाज किया गया, 2 मिनट सब लोगों ने मौन व्रत रखा और इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा बता दें। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। आज चूँकि शहीदी दिवस है तो आज इतना ही।